ऑस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश के हर शख्स की आंखें नम हैं। सीडीएस विपिन रावत की शहादत ने देश को गमगीन कर दिया है। वैसे तो पूरा देश गमगीन है, वहीं विपिन रावत के पैतृक गांव भी शोक की लहर में डूबा हुआ है। अपने पैतृक गांव को लेकर विपिन रावत के कई सपने थे। एक मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद दिल्ली में रहने के बजाय देहरादून में बसने की तैयारी कर रखी थी, जहां उनका पूरा बचपन बीता था। विपिन रावत ने देहरादून में बसने के लिए हाल ही में एक महीने पहले ही देहरादून में प्रेमनगर के पास जंगलों के बीच खूबसूरत वादियों में अपना आशियाना बनवाना भी शुरू किया था, लेकिन अफसोस उनका यह सपना अधूरा ही रह गया। वहीं विपिन रावत के चाचा अपने भतीजे की शहादत के बाद गम में डूब गए हैं। वो बताते हैं, सीडीएस विपिन रावत हमारे बहुत करीब थे और जल्द ही यहाँ आने वाले थे। उनके जाने के बाद पूरा परिवार टूट चुका है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो मकान लगाना चाहते थे वो, और सड़क लाना चाहते थे गाँव में। उसके बाद प्लांटेशन करना चाहते थे, फल फ्रूट्स के पेड़ लगाना चाहते थे और पलायन को रोकना चाहते थे। लास्ट बार कब गांव में आए और क्या क्या बातें हुई आपकी? 2018 में लास्ट अप्रैल में आए थे, और गांव के विकास के बारे में क्या क्या किया जाए, एक स्कूल एक हॉस्पिटल कभी बताया था उन्होंने खोलने के लिए। अच्छा, सड़क के लिए भी काफी कुछ उन्होंने सड़क के लिए काफी कुछ संघर्ष किया था उन्होंने, चिट्ठियां लिखते रहे। जनरल साहब की पढ़ाई और एजुकेशन कहाँ हुई प्रॉपर? देहरादून में हुई इनकी पढ़ाई लिखाई सब। पूछो, देहरादून में हुई। अच्छा, बचपन कभी कुछ गुजरा उनका यहाँ? बचपन में रहे यहाँ घर वो? नहीं, घर में नहीं रहे, वही देहरादून रहे हो, कभी कभी आते थे बस। आपके साथ उनकी कुछ ऐसी यादें जो उनके साथ में रही हो? हमारी यही याद है कि वो गांव के विषय में हमेशा बात करते थे, किस तरह से गांव में समृद्धि लाई जाए, कैसे करके पलायन को रोका जाए, कैसे करके सबको खुशहाल किया जाए। तो आपने सुना विपिन रावत के कितने सपने थे अपने पैतृक गांव को लेकर। आपको बता दें कि जवानों के शहीद होने पर व्यापार मंडल ने भी शोक व्यक्त किया और दुकानें बंद रखी। सुनिए व्यापारियों ने वीरों की शहादत पर क्या कुछ कहा। एक देश को एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आज पूरा देश शोक से शोक में डूबा हुआ है, और हम लोग जितने कोटद्वार के व्यापारी जन हैं, सब लोग ने आज बाजार बंद रखा है और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और इस हादसे के अंदर मन के अंदर इतना श्रद्धा भाव उठ रहा है, इतना रोना आ रहा है कि इस क्षति को हम नहीं भुला सकते। और इस क्षति का समझ नहीं आता, ये क्षति जो है देश के लिए इतनी बड़ी, ये कैसे पूरी होगी। एक दुखदायी क्षण जो था कल रात हो के, मुझे लगता है कि देश कल सोया नहीं होगा। इतना बड़ा जो दुखदायी क्षण था, उसके समर्थन में आज कोटद्वार के लोग झंडा चौक पर इकट्ठा हुए हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि जनरल रावत को दे रहे हैं। घटना घटित हुई है जिसमें हमारे 13 वीर जवान गुजरे हैं, तो उसके संदर्भ में ये व्यापार मंडल ने बाज़ार बंद कराया एक अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही दुख का विषय है कि कल ये घटना घटित हुई है। और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं ये तो सरकार जाने, लेकिन हमें जो दुख पहुंचा है, चाहे वो व्यापारी है चाहे आम नागरिक है, और आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, इसमें आपको किस हर पार्टी का व्यक्ति मिलेगा, चलता फिरता आम आदमी भी अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, क्योंकि उसे इतना दुख पहुंचा है। ये है ही एक दुख का विषय जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, और इसकी क्षति कैसे पूरी होगी आगे ये तो अब भगवान ही जानता है। तो चलते चलते आपको बताते चले कि बुधवार को सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन की खबर मिलते ही उनके चाचा
फपक फपक कर रो पड़े। वो रोते हुए बोले कि गांव तक सड़क तो पहुंच जाएगी, लेकिन विपिन अब कभी गांव नहीं आ पाएगा। जनरल रावत की हादसे में मौत की खबर से पूरा गांव स्तब्ध है। सैण गांव को सड़क से जोड़ने की कवायद जनरल विपिन रावत ने 29 अप्रैल 2018 के भ्रमण के बाद शुरू हुई। तब गांव पहुंचे जनरल रावत के सामने ग्रामीणों ने अपनी बात रखी थी। जनरल रावत के आग्रह पर तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे। बहरहाल ईश्वर विपिन रावत की आत्मा को शांति दे।